गुड मॉर्निंग सर। जो आज का सेशन है हमारा वो है स्वीप के ऊपर। किसके ऊपर? स्वीप के ऊपर। हालांकि हर शॉट में एक बहुत चीज कॉमन है, वो क्या चीज होती है? वो है आपका हेड। ड्यूरिंग द शॉट, कोई भी शॉट खेल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो या स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हो, कवर ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? हेड। आपका हेड स्टेबल होना चाहिए, ये चीज तो होगी कॉमन। अब स्वीप में क्या ऐसी चीज है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज अच्छी होगी तो आपका स्वीप शॉट अच्छे हो जाएंगे। पहली चीज, आपने अपना सांस ले रखा है, स्वीप मारते किसको है? स्पिनर्स को। आज की डेट में आईपीएल देखोगे तो मीडियम बेसिस को भी लग जाते हैं, बट कौन सी बॉल को मारते हैं स्वीप? नो, जो आपके पैर पे हो और जो थोड़ी आपके खींचा हुआ बॉल हो उसको स्वीप मारा जाता है। ये नहीं है कि अब यहाँ की बॉल को स्वीप मार दो जो आपके मुंह के नीचे है। स्वीप कौन सी बॉल को मारा जाएगा? जितना आपका फ्रंट फुट का पैर निकल रहा है और जितना आपके बैट की रेंज घूम रही है, दैट्स अ स्वीप बॉल। ऑफ स्टंप की बॉल को भी स्वीप मार सकते हो, लेकिन बेसिक में क्या करेंगे हम, पहले लेग स्टंप की बॉल को मारना शुरू करेंगे या लेग स्टंप की बाहर की बॉल को मारना शुरू करेंगे। पहला क्या आएगा? लेग स्टंप की बाहर, फिर लेग स्टंप, फिर मिडल स्टंप, देन फिर ऑफ स्टंप। जब आपका ऑफ स्टंप पे स्वीप लगने जाएगा, कहीं की बॉल की भी स्वीप मार सकते हो, बट बॉल दूर होना चाहिए आपसे, पास का बॉल स्वीप नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? अब स्वीप के लिए पोजीशन क्या है? जब भी हम स्वीप मारने आते हैं, जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखी है, बच्चे क्या करते हैं, पीछे वाला पैर डाउन कर देते हैं और फिर स्वीप मारते हैं। अगर आपका पीछे वाला पैर डाउन हो गया, आपकी मूवमेंट क्या हो रही है? लॉक। और यही पैर स्ट्रेट हो गया, इससे दो बेनिफिट, आपकी एक तो मूवमेंट खुल गई, सेकंड आपकी रीच बढ़ गई। स्वीप हमेशा हेड आगे रख के लगेगा, ड्राइव स्वीप सारा हेड का खेल है। अगर ये हेड बार बार ऊपर जा रहा है या पीछे जा रहा है, देखो मेरा हेड पीछे है तो मेरा स्वीप बॉल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। क्लियर हो गया? ये आप खड़े हो वन, देखो स्वीप में भी ये पैर ये जाना चाहिए, अगर ये पैर ऑन द टो चला गया तब लॉक हो गए, ये जाएगा, जब हम मारने जाएंगे तब ये मूवमेंट हो जाएगी। देखिए क्लियर हुआ? स्वीप मारने के लिए पीछे का पैर सीधा, पीछे का पैर कहां रहना चाहिए? ऑन द टो। क्यों? बॉडी की मूवमेंट लॉक ना हो। पहला फॉल्ट समझ आ गया कि आप क्या करते थे कि पीछे वाला पैर टिका लेते थे। दूसरा, कौन सी बॉल को मारना है जो आपकी आगे आ रही हो, मुंह से आगे हो, मतलब मुंह के नीचे वाली बॉल को हमेशा सामने खेलो, जो स्वीप के लिए बता दिया। लेकिन मैक्सिमम स्वीप किसको खेला जाता है? स्पिनर्स को। लेकिन कब खेला जाता है? जब बहुत ही ज्यादा टर्निंग ट्रैक हो। स्वीप क्यों खेला जाता है? स्पिनर की टर्न को खत्म करने के लिए। नॉर्मल सी चीज है ना, अब बॉल टर्न नहीं हो रहा, सीधा आ रहा, फिर भी स्वीप मारोगे, इट कुड बी रिस्की। अपने लेग स्टंप का मारो, सीधा पैड पे आ गया तो यू हैव टू नो कि जब भी हमने स्वीप खेलना है, योर हेड शुड बी स्टिल, योर बैक लेग शुड बी स्ट्रेट। गॉट इट? क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिंदास होके पूछो। नमस्ते।